दालों में चना सबसे ज्यादा पसंदीदा दाल होती है। इसमें लगभग 40% प्रोटीन होता है। ज्यादातर शाकाहारी लोग प्रोटीन के लिए दालों पर ही निर्भर रहते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा में चना अग्रणी भूमिका अदा कर रहा है। लेकिन चने में लगने वाले रोगों की वजह से किसान चने की फसल को नहीं उगाना चाहते। आज हम ऐसे ही एक रोग के बारे में बात करेंगे जिसका नाम बोट्रेटिस ग्रे मोल्ड है। बोट्रेटिस ग्रे मोल्ड बोट्रेटिस साइनेरिया नामक फफूस से होता है। आइए अब जानते हैं इस रोग के लक्षण कैसे होते हैं। ग्रे मोल्ड रोग पत्तियों, तनों, कोमल टहनियों, फूल और फलियों में लगभग सभी भागों में अटैक करता है। ग्रे मोल्ड जिन हिस्सों में अटैक करता है, शुरुआत में उन हिस्सों में जलीय धब्बे बनते हैं और ऐसे हिस्से नरम हो जाते हैं, और फिर जल्दी ही ऐसे हिस्से धूसर रंग के कवक जाल से ढक जाते हैं। यह फफूंद पत्तियों तथा कोमल टहनियों में अटैक करता है। कोमल टहनियों में जहां पर ग्रे मोल्ड सड़न करता है, टहनियां वहां से टूट जाती हैं और नीचे की ओर लटक जाती हैं। इन ग्रसित टहनियों में भी धूसर रंग का कवक जाल दिखाई देता है। इस रोग के चने की फसल में जल्दी इन्फेक्शन होने पर पौधे फूल निकलने से पहले ही मर जाते हैं, और जो पौधे इन्फेक्शन के बाद बच जाते हैं उन पर फूल लगते हैं, लेकिन जल्दी ही इन पर भी ग्रे मोल्ड का अटैक हो जाता है। इस अवस्था को ब्लॉसम ब्लाइट कहा जाता है। फलियों पर शुरुआत में जलीय धब्बे बनते हैं जो बाद में धूसर रंग के कवक जाल से ढक जाते हैं। कभी कभार फलियों के संक्रमित धब्बों में इस फफूंद के बहुत छोटे काले स्क्लोशिया दिखाई देते हैं। सुबह सुबह 6 बजे के आसपास अगर आप अपने खेत में जाएंगे तो चने के पौधों के सभी संक्रमित हिस्सों में धूसर रंग की कवक वृद्धि आपको दिखाई देगी। खेत में चने के संक्रमित कोमल टहनियों का नीचे की ओर झुक जाना इस रोग का आम लक्षण होता है। अगर बादल लगे हों तो फूलों का झड़ना और संक्रमित हिस्सों का सड़ना यह आमतौर पर खेत में देखा जा सकता है। भारत में इस रोग से लगभग 15 से 95% तक फसल को हानि होती है। संक्रमित फलियों में या तो दाने नहीं बनते, अगर बनते भी हैं तो बहुत छोटे और सिकुड़े हुए बनते हैं। अब बात करते हैं कैसे इस रोग की रोकथाम की जाए। इस रोग से अपनी फसल को बचाने के लिए 15 नवंबर तक चने की बुआई कर लें। चने की फसल ज़्यादा घनी नहीं होनी चाहिए, इसलिए बीज दर को कम ही रखें। चने की अवरोधी किस्मों को लगाएं। चने की फसल को अलसी के साथ इंटरक्रॉपिंग में लगाएं। इसमें आपको क्या करना होता है, कुछ लाइनों में चना बोना होता है, उसके बाद फिर अलसी, फिर चना, फिर अलसी। ऐसा करने से यह रोग कम लगता है। चने के खेत में ज्यादा सिंचाई ना करें। गर्मी के महीने में खेत की गहरी जुताई करें। कार्बेंडाजिम तथा थेरम को 1:1 में मिलाकर 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीजों का उपचार करें। आप कार्बेंडाजिम का 1.5 ग्राम प्रति लीटर, मैंकोजेब का 3 ग्राम प्रति लीटर और कैप्टान का 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं।